वो दल नहीं है जो चुनाव के वक्त नजर आता है। भीड़ कभी वोट का पैमाना नहीं होती है। स्पष्ट नियत के साथ अगर हम जनता के लिए काम करते रहेंगे ईमानदारी और निष्ठा से, तो पार्टी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने पिछले 3 चुनाव एक साथ लड़े हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने इस गठबंधन को खुले दिल से स्वीकार भी किया है, इसे अपार समर्थन भी दिया है और हमने बड़ी मजबूत सरकारें भी बनाई हैं। और 5 वर्षों में जिस प्रकार से विकास की एक पूरी यात्रा चली है उत्तर प्रदेश में, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि एक बार फिर जो हमारा राजग का गठबंधन है, जिसमें अब हमारे निषाद पार्टी भी सम्मिलित हो चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता और मतदाता इस गठबंधन को हाथों हाथ लेंगे। मैम, अभी आपने कहा निषाद पार्टी सम्मिलित हो चुकी है, ऐसे में बीजेपी के पास वर्तमान समय में निषाद पार्टी और अपना दल यस, ये दोनों का ही सहयोग मिल रहा है। ऐसे में अभी हाल ही में जो रैली हुई थी लखनऊ में निषाद, वहाँ पर उनको था कि आरक्षण की घोषणा करनी चाहिए अमित शाह जी की तरफ से, उन्होंने नहीं किया, वो नाराजगी आज भी बरकरार है। तो अगर उनके पास 2 गुट हैं, छोटे पार्टियाँ हैं, उसमें एक निषाद पार्टी अलग हो जा रही है अगर भाई दिव्य चुनाव में, तो अपना दल इसको कैसे देखेगा? देखिए, मैं इस पर तो टिप्पणी नहीं कर सकती कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बीच में क्या समझौता हुआ या क्या बातचीत हुई और किसी घोषणा को लेकर बातचीत हुई पहले या नहीं हुई, मुझे इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगी कि फिलहाल राजग के वो अहम सहयोगी हैं और उनकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी होगी। मैम, अभी इधर बीच कुछ देखने को मिला था आपकी जो कई जगह बाइट आई है वहाँ पे सीटों को लेके या छोटे दल बड़े दल गठबंधन को लेके, उसमें ये लगा लोगों को मीडिया में चर्चा रही कि कहीं अनुप्रिया की तरफ से कोई नाराजगी या बीजेपी और अपना दल में कोई अलायंस को लेके कोई दिक्कत नहीं? देखिए, हम 3 चुनाव साथ में मिलकर लड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि अपना दल और भाजपा का एक बहुत ही सफल गठबंधन रहा है और बहुत स्थिरता के साथ ये हमारा जो एक पॉलिटिकल अलायंस है ये आगे भी बढ़ा है। फिलहाल इस विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी बातचीत चल रही है और अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, तो मुझे लगता है वो एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो अभी हमें लेना है। आपको नहीं लगता मैम कि सीटों का निष्कर्ष अभी नहीं हो पाया? हर एक तरफ आप पूरी तरफ से मेहनत कर रही हैं और कितनी सीटें की अपेक्षा आप करती हैं और बताएं। देखिए, सीटों की संख्या पे मैं कोई अभी टिप्पणी नहीं करूंगी। हमारे अपने पार्टी के अंदर बड़े विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है और सीटें जो हम लड़ने के इच्छुक हैं या जहाँ हमें लगता है कि हम बेहतर प्रदर्शन अपने सहयोगी दल के साथ मिलकर कर सकते हैं, ऐसी सारी सूची हम तैयार कर चुके हैं। चर्चा का दौर चल रहा है और समय तो लगता ही है, 2 दलों को आपस में बैठ के सीटों का बंटवारा तय करना है तो ये आसान निर्णय नहीं होता है। लेकिन जब दोनों के मन में एक दूसरे के साथ चलने की इच्छा प्रबल होती है तो रास्ते भी निकल आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 3 चुनाव हम साथ में मिलकर लड़े हैं, 4थे चुनाव के लिए हम रास्ते बना लेंगे। मैम, ये रास्ते बना लेंगे, ये एक सवाल पैदा करता है कि रास्ते बना लेंगे, रास्ते जब पहले से ही क्लियर हैं तो रास्ते बनाने का सवाल क्या है? नहीं, मैंने ये सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ये बात कही कि अभी एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो हमें लेना है अपना दल को और भारतीय जनता पार्टी को। हमने सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक फैसला करना है, निष्कर्ष पे पहुँचना है। तो एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि इसको हम एक बेहतरीन आकार दे पाएंगे, एक बेहतरीन स्वरूप दे पाएंगे जो दोनों दलों को स्वीकार्य होगा। मैम, एक ये कर रही बात, तो कितनी सीटों पे आपकी तैयारी है अपना दल की तरफ से? देखिए, हमारी तैयारी तो पूरे प्रदेश में है। हम पिछले 5-7 वर्षों से लगातार, जो पिछला चुनाव 17 का हुआ, 2017 का, उसके बाद से हम निरंतर हर विधानसभा पर अपने पार्टी के संगठन को मजबूती देने के लिए कार्य करते आ रहे हैं और आम जनमानस से जुड़े हुए हैं। जो हमारे पिछड़े वंचित वर्ग के मसले हैं उनको भी हम राज्य और देश के सदन में उठाते आए हैं, जनता के बीच में एक हमारा बेहतरीन समर्थन भी है। तो निश्चित रूप से हमारी तैयारी है लड़ने की, हर जगह लड़ने की, लेकिन हम एक गठबंधन का अंग है और हमें साथ में मिलकर लड़ना है तो उसमें हमें सीटों का बंटवारा अभी तय करना है। मैम, पिछली बार देखा जाए तो अपना दल एस की वो स्थिति नहीं रही है क्योंकि हाल ही में पार्टी का गठन हुआ है, तो 11 सीटें मिली थी, 9 सीटें जीती थी,
इस बार अपना दल एक अस्तित्व है उसका और आपके नेतृत्व में सफलता भी मिल रही है। लोग कुर्मी वोटों का आपको नेता भी मानने लगे हैं अब, खास करके यूपी में। तो ऐसे में कितनी सीटें 11 से बढ़ के कुछ तो एक होगी जो आप मन में, क्योंकि आपकी जो भी सपोर्टर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी जानना चाहते होंगे कितनी सीटों पर जो मजबूत स्थिति पर आप तैयार रही है उसकी। देखिए, पहली बात तो ये कि अपना दल के दायरे को आप सीमित दृष्टिकोण से मत देखिए। अपना दल समग्र पिछड़े, वंचित, कमज़ोर तबकों के हितों के लिए लड़ता आया है अपने गठन के समय से, और दबे कुचले वर्गों के बीच में हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा समर्थन भी है और निरंतर हम उनके लिए संघर्ष करते भी रहते हैं। तो अपना दल कोई एक सीमित वर्ग की पार्टी नहीं है, बल्कि पिछड़े, वंचित, कमज़ोर समाज की पार्टी है, उनकी आवाज़ है। सीटों की संख्या को लेकर निश्चित रूप से, क्योंकि कार्यकर्ता जब मेहनत करते हैं तो अपेक्षाएं भी होती हैं, और साथ ही हमारे कार्यकर्ता बहुत समझदार हैं। वो ये भी समझते हैं कि हम एक सहयोगी दल के साथ में पिछले 3 चुनावों से हैं, तो निश्चित रूप से हर सीट हम नहीं लड़ेंगे, हमारे सहयोगी दल कुछ सीटें लड़ेंगे, हमसे ज़्यादा ही लड़ेंगे, और कुछ सीटें हम लड़ेंगे। कुल मिलाकर हमने साथ में मिलकर ये देखना है कि एक साथ आके हम कहाँ बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, तो सीटों की संख्या कुछ समय बाद स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, ये हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं इनकी एक नियमित प्रक्रिया होती है जांच करने की, काम करने की, किसी न किसी को ये बुलाते रहते हैं पूछताछ के लिए, तो ये एक नियमित प्रक्रिया होती है और मुझे नहीं लगता कि इसे चुनाव से जोड़कर देखना चाहिए। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि अभिनेत्री ऐश्वर्या राय जी को भी इसके दायरे में लाकर पूछताछ की गई थी, तो ये तो नियमित एक काम है जो चलता रहता है, और कुछ गलत किया नहीं है तो भयभीत होने की आवश्यकता भी नहीं। आज की डेट में मैम, अखिलेश और बीजेपी, योगी या मोदी जी की जनसभा में सबसे ज़्यादा भीड़ अखिलेश में दिखाई दे रही है, जो तस्वीरें दिख रही हैं उसको लेके आपको कहीं मन में संशय अपना दल ऐसा? देखिए, मेरी अपनी पार्टी को लेकर कोई संदेह मेरे मन में नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम वो दल नहीं है जो चुनाव के वक्त नजर आता है, हम वो दल हैं जो निरंतर दबे कुचले समाज के लिए आवाज़ उठाता रहता है, सड़क से लेकर राज्य और केंद्र के सदन तक, और निरंतर हम जनता के बीच में बने रहते हैं। और आप मुझे मेरे क्षेत्र में भी देख सकते हैं और उत्तर प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी देख सकते हैं, मेरे कार्यकर्ता और मैं, हम लोग लगातार काम करते हैं, तो हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। रही बात भीड़ उमड़ने की, तो भीड़ कभी वोट का पैमाना नहीं होती है। बहुत सारे लोग देखने के लिए भी आते हैं, उसमें से कितने लोग वोट डालेंगे ये आप नहीं कह सकते। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि 5 वर्षों में जिस गति के साथ हमने उत्तर प्रदेश का विकास किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की आम जनमानस की आकांक्षाओं पर हम खरे उतरे हैं। मैम, एक और है, आपने बीजेपी से अलायंस किया और आप खास करके कुर्मी वोटों के काम नेता माने जाते हैं, पिछड़ों के नेता माने जाते हैं। ऐसे में इतने टाइम हो गया, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे ये प्रदेश सरकार हो, कुर्मी वोटों के लिए बीजेपी ने क्या किया? नहीं, मैं बीजेपी के बिहाफ पे तो उत्तर नहीं दे सकती कि उन्होंने क्या किया, लेकिन मेरी आप संतुष्ट हैं, आपके कार्यकर्ता, आपके नेता या आप? नहीं, देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरी पार्टी का दायरा सीमित नहीं है। मेरी पार्टी समस्त पिछड़े वंचित समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष करती आई है, आवाज़ उठाती आई है, और मैं आपको इसका उदाहरण भी देना चाहती हूँ। हमने गठबंधन में रहते हुए, सरकार में रहते हुए, पिछड़े वंचित समाज के हक अधिकार से जुड़ा हुआ विषय, जो नीट की परीक्षा में, MBBS और PG एडमिशन्स में, ऑल इंडिया कोटा में पिछड़ों के आरक्षण लागू न हो पाने का विषय था, हमने उस विषय को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उठाया, मेरी पार्टी ने उठाया, मैंने उठाया, और उसका समाधान हुआ। आज पिछड़ों का आरक्षण बहाल हुआ है। इसी प्रकार 69,000 शिक्षक भर्ती का एक प्रकरण था, जिसमें हमारे पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी पिछले 5 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस विषय को भी हमने उत्तर प्रदेश की सरकार के समक्ष रखा, मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखा, और इस विषय का भी अब समाधान होने जा रहा है। तो पिछड़े वंचित समाज के जो मसले हैं, मैं बहुत आशावादी हूँ, मैं तो सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ती हूँ, और मेरा ये मानना है कि जब दो लोग एक साथ मिलकर चलना चाहते हैं तो रास्ते वो बना ही लेते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे ऊँट किस करवट बैठेगा, तो मैं अभी तो नहीं बता सकती ऊँट किस करवट बैठेगा। मैं तो यही कहूँगी
कि हम साथ में मिलकर सकारात्मक सोच के साथ चलेंगे, रास्ते निकलेंगे और हम फिर से बेहतरीन प्रदर्शन करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। मैम, अभी हाईकोर्ट ने कल निर्णय दिया है चुनाव को लेकर कि चुनाव टाला जाए कोरोना को देखते हुए, ऐसे में आपका उस पर क्या मत? देखिए, ये निर्णय मैंने नहीं लेना है, ये निर्णय तो हमारे कोर्ट के जो निर्देश आए हैं उनको संज्ञान में लेकर इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है, चुनाव आयोग जो तय करेगा हम उसका पालन करेंगे, लेकिन तैयारी हमारी पूरी है और अगर चुनाव जैसे भी डिक्लेयर होंगे हमारी पार्टी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाती हूँ। नहीं मैम, सवाल ये है कि कोरोना अगर बढ़ते लगातार केस हैं और ऐसे में चुनाव होता है तो क्या उचित रहेगा? नहीं, मैंने पहले भी कहा कि चुनाव संपन्न कराना है या नहीं कराना है, चुनाव की घोषणा करनी है या नहीं करना है, ये फैसला हम नहीं लेंगे। ये फैसला लेने के लिए एक संस्था है, उसका अपना अधिकार क्षेत्र है, चुनाव आयोग ये तय करेगा, हम सभी उसका पालन करेंगे। वैक्सीनेशन देश में तेज़ी से चल रहा है और देश के अंदर लगभग 140-145 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और ओमिक्रॉन को देखते हुए जो भी नए हमारे एहतियात हैं वो सरकार बरत रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं समीक्षा कर रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर निगाह बनाए हुए है, तो लोगों को भी आगाह किया जा रहा है और हम सभी को जो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करते रहना है और मुझे लगता है कि हम मिलकर कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीतेंगे। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन, आपकी पार्टी लगातार ऊंचाइयों पे चलती चली आ रही है, ऐसे में उसमें आपने कहा था एक जगह कि उसमें कार्यकर्ता, जनता, नेता और आपकी मेहनत, सबकी मेहनत साथ, ऐसे में आशीष जी आपके हस्बैंड हैं, उनको चाणक्य माना जाता है आजकल, कहा जाता है मीडिया के उसमें, उनके उनको आगे कैसे देखते हैं कि उनका कितना बड़ा रोल है आपकी पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में? देखिए, ऐसा है कि जैसे मैं काम कर रही हूँ, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष जी यहाँ पर खड़े हुए हैं वो काम कर रहे हैं, वैसे आशीष जी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम सभी लोग सामूहिक रूप से पार्टी के निर्णय लेते हैं और सामूहिक विवेक से पार्टी को संचालित करते हैं और मुझे लगता है कि हम सभी कार्यकर्ताओं की ये सामूहिक मेहनत है, उससे हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। अच्छी सोच के साथ, स्पष्ट नीयत के साथ अगर हम जनता के लिए काम करते रहेंगे ईमानदारी और निष्ठा से, तो पार्टी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।